तो यहाँ से आ रहा था स्पीड से, तो एक परिंदा जो है उड़ के आके मेरे हेलमेट के ऊपर लगा। दिस इज हाउ वी क्रॉस द रिमोट बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पैराग्वे एंड ब्राज़ील। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम फिलाडेल्फिया चाको रीजन। आज का हमारा प्लान जो है वो ये है कि हम आज कोशिश करें कि हम जो है ब्राज़ील में एंटर हों। ब्राज़ील में एंटर होने के और जो मेरी वहाँ की जो डेस्टिनेशन है उसका नाम है बोनीतो, उसके दो रास्ते हैं। या तो मैं यहाँ से एक लंबा रूट लेकर जाऊँ, तकरीबन 800-900 किलोमीटर पड़ता है, मुझे रास्ते में 2 दिन वहाँ लगेंगे वहाँ पहुँचने में, या उसका मुझे कल पता लगा यहाँ से कि एक और शॉर्ट रास्ता भी जा रहा है जो कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉसिंग कोई एक ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो नहीं है, वो एक रिवर पैराग्वे है। तो मैं बॉर्डर तक पहुँचूँगा रिवर पैराग्वे तक, और वहाँ से फिर मैं लूँगा बोट, फिर बोट लेके फिर मैं एंटर होंगे ब्राज़ील में। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ब्राज़ील की तरफ से वहाँ पर कोई बॉर्डर क्रॉसिंग वहाँ पर जो है वो नहीं है। मैं आपको ज़रा मैप पे दिखाता हूँ कि हमारा आज का प्लान है क्या, ताकि आपको समझ आए। हम जो हैं इस टाइम हैं यहाँ पर फिलाडेल्फिया में, यहाँ से बीच में से एक रास्ता जो है ये जो आ रहा है ये रिवर, ये है रिवर पैराग्वे रिवर, और इस तरफ ये ब्राज़ील है। तो ये बीच में यहाँ से मैं जाऊँ, ऐसे जाऊँगा इंशाल्लाह, यहाँ पे कोई ना कोई बॉर्डर क्रॉसिंग है। ये बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद हम तकरीबन यहाँ पे है बोनीतो, जो कि वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन ब्राज़ील। तो यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर क्रॉसिंग होगी वो बॉर्डर क्रॉसिंग से लेके और बोनीतो तक हमें तकरीबन आज का सफ़र हमारा बन रहा है 520 किलोमीटर। थोड़ा सा लंबा दिन होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 1000 किलोमीटर जो है अगर मैं यहाँ से करता हूँ और रास्ते में एक रात मुझे कहीं और गुजारनी पड़ती है, तो मेरा प्लान ये है कि मैं ये वाली बॉर्डर क्रॉसिंग करूँ, और अगर वहाँ पे कस्टम या इमिग्रेशन वहाँ पे ऑफिस अगर नहीं है तो मैं उसको ढूंढूँ, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराऊँ वहाँ पे, और फिर हम बोनीतो की तरफ जा सकेंगे। तो ये हमारा प्लान है आज का, लेकिन ब्रेकफास्ट पहले हम करेंगे। तो जो हमारे पास ब्रेकफास्ट में है एग्स, एक छोटी सी ब्रेड, योगर्ट, ऑरेंज जूस, सम फ्रूट्स, पपाया, ऑरेंजेस, अनानास, और ये एप्पल मैं साथ रखूँगा, एंड कॉफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा तकरीबन जो हम लेट हो गए अपने प्लान से। मेरा ख्याल था कि मैं निकलूँगा यहाँ से 7 बजे, लेकिन अब ऑलरेडी 8 बज गए हैं। या बट नाउ वी आर लेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लाह सखर अल्लाह हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह ताला आज का दिन हमारे आसान कर दे, क्योंकि जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ब्राज़ील की, वहाँ पे कुछ कस्टम वगैरह तो खैर वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है मसले मसाइल जो हैं वो ज़्यादा ना हों। इंशाल्लाह दिन हमारा अच्छा गुजरेगा। लेट्स से गुड बाय टू पैराग्वे फॉर नाउ, एंड हम यहाँ पर दोबारा आएँगे वापसी पर जब हम ब्राज़ील से वापस आएँगे, क्योंकि यहाँ पर 1-2 फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स जो हमने अभी तक नहीं देखी, तो वो चल के भी देखें, लेकिन वो काफ़ी दूर है, इससे मैं ब्राज़ील से होके आ रहा था यहाँ पे। ये मेरा जो है फेवरेट दरख्त बन गया ये अब, इसे कहते हैं जर्मन में फ्लाशन बाम, जिसकी ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश में बॉटल ट्री। सो मे बी इसका नाम भी बॉटल ट्री ही होगा, और ये यहाँ पर बेशुमार लगे हुए हैं पीछे। और कल मैं जहाँ पे उसके पास गया हुआ था गेरहार्ड के पास, तो मुझे वो बता रहा था कि इसके अंदर पानी तो होता है, लेकिन पानी ऐसा नहीं कि इसका आप इसे खोलें तो उसके अंदर पानी नीचे बहना शुरू हो जाएगा। इसका जो तना है वो काफ़ी नम होता है, तो पुराने ज़माने में या अभी भी लोग जो हैं इसे काट के तने को इसके ऊपर से तो वो खिलाते हैं अपने जानवरों को, पानी की कमी पूरी करने के लिए और खाना खाने के लिए भी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्री एंड लुक्स प्रीटी। वो देखे ना बीच में वहाँ पे छुपे हुए, अभी ये छोटा है और इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक उसने अपने घर में लगाया हुआ था, कहता 25 साल तो उसको हो गया लगे हुए। बड़े खूबसूरत लगता है ये। पहला जो हमारा है बॉर्डर तक का रास्ता वो है 300 किलोमीटर, और यहाँ से जाने का एक मकसद ये भी है कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिया। और उसके बाद और दूसरी वजह ये भी कि अगर वहाँ से हम जाते हैं और रूट से तो वो तकरीबन 1000 किलोमीटर पड़ता है हमें बोनीतो पहुँचने के लिए, और यहाँ से पड़ता है हमें 600 किलोमीटर। लेकिन उसमें ट्रिक जो है वो यही है कि अगर हमें वहाँ पे बॉर्डर पे उसके आसपास, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पोस्ट नहीं है ब्राज़ील की, तो
वो मुझे कहीं दोबारा जो है एक और इनका शहर है पुंतापुरे, वहाँ ना भेज दें। और पुंतापुरे जो वही जगह है जहाँ पे हमने वैसे ही जाना था लंबे रास्ते से, अगर मुझे वहाँ भेज दें तो फिर यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वी विल हैव एन इंटरेस्टिंग बॉर्डर क्रॉसिंग ओवर द रिवर पैराग्वे। ये भी एक मेरी है वजह वो यहाँ जाने की है। तो वी विल सी हाउ इट गोज। रोड तो हो गया ख़त्म, लगता है कि अब हमारा अगला जो है 260 किलोमीटर वो ये वाला डर्ट ट्रैक हो। होपफुली कि कल यहाँ बारिश उस एरिया में नहीं हुई होगी और हमें जो है कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना इट विल बी हॉरेबल। और मेरे सामने पता नहीं कौन सा ट्रक जा रहा है, क्या कितना मट्टी है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ट्रक वाला कोई आसरा ही नहीं करता, अभी गुजरा यहाँ से पता नहीं कितने मीलों तक अब इसकी धूल उड़ रही है। पहले ये हमारी अपनी चॉइस है इस रोड से जाना, लेट्स हैव सम फन। मैं कोई यहाँ से आ रहा था स्पीड से तो एक परिंदा जो है उड़ा है साइड से और वो उड़ के आके मेरे हेलमेट के ऊपर लगा है। अब पता नहीं या तो वो जख्मी होकर कहीं गिरा है या फिर वो शायद उड़ गया है फिर से, लेकिन काफ़ी स्पीड से लगा है वो। बेचारा, ये उसके पर जो है यहाँ पे, ये इसके पता नहीं कौन सा परिंदा था, आई थिंक वो उड़ गया है लेकिन ज़ख्मी होगा शायद। यहाँ से उड़ा है ऐसे ही, लेकिन क्योंकि वो हैवी परिंदा था यहाँ से उड़ा और वो यहीं पे हमारे दस आके लगा है। उस समय कैमरा मेरा बंद था। पुअर परिंदा, सॉरी। यहाँ मुझे भी ये नज़र एक आया है, आंट ईटर बाहर आया है और फिर जो है वो अंदर भाग गया है। लेट्स सी कि अगर इधर ही कहीं है वो, अभी नज़र नहीं आएगा। वो भी यहाँ पे आया है भाई साहब, पता नहीं कुछ उसने खाया यहाँ से और फिर वापस अंदर की तरफ भाग गया, नज़र नहीं आएगा। अब मैं भी ज़रा यहाँ पर रुका हूँ पानी पीने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। परिंदे ऐसे यहाँ पे उड़ रहे हैं और यहाँ से फिर आसपास परिंदों की जो आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ पे आसपास जो दरख्त नज़र आ रहे हैं वो और कहीं भी नज़र नहीं आते, बहुत ही खूबसूरत और ऐसा कुछ सुकून है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि छाँव और कहीं नहीं है सिवाय इस बस स्टॉप के, तो मैं यहाँ पर रुका हूँ इस बस स्टॉप पे, थोड़ा सा पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। देखिए मेरे उल्टे हाथ पे यहाँ पे ये मेरे ख्याल में दरिया है या क्या है, छोटा सा पानी वगैरह का, और यहाँ पे आप परिंदे देखें, यहाँ पे वो देखो यहाँ सारे वो फ्लामिंगोज भी वहाँ पर हैं। ऐसे सीन हमें बार बार नज़र नहीं आते। वो पीछे वहाँ पे और कुछ परिंदे हैं, ये फ्लामिंगो नहीं है, ये कोई पिंक रंग का परिंदा है, हाँ नहीं फ्लामिंगो ही है ये। वो देखो और गए, पता नहीं आपको ये नज़र आया या नहीं आया ड्रोन में, लेकिन दिस इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अल्ट्रा 97 इज हियर। अच्छा किरो पगार तरखे था सी, ओके पासल प्रीमियर तो तरखे था सी, तो या कोडर प्रीमियर आई विल सी पासल तरखे था।
No sé. Te voy a cobrar, te voy a pasar tu tarjeta. Ah. Te voy a cobrar ya. Quiero lento. Sí. Full. Igual. Ah, yendo a ver. Sí. ¿A dónde está aduana, el pasaporte? Ahí en el puerto luego está. ¿El puerto? En el puerto para pasar a Mortiño está donde está la balsa, ahí está la aduana. ¿Cuántos kilómetros? Más o menos unos 5 kilómetros por ahí derechito acá. Ok. So I think we are in the border town. Lekin yahan pe boat abhi shayad aage hogi. Maine yahan se apna petrol fill karwa liya Gonzales ka. Let's see कि हमें कहाँ तक पहुँचाता है ये. ओके सो सामने यहाँ पे कहीं होना चाहिए पैरागोए का कस्टम्स. ये है जी हमारे लेफ्ट हैंड पे रिवर पैरागोए, फिर इसके उस तरफ जो है वो है ब्राज़ील. वो दरख्त हैं वो ब्राज़ील के हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं से हमें कोई कश्ती मिलनी चाहिए, बोट मिलेगी कोई, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए पैरागोए का कस्टम्स एंड माइग्रेशन और इमिग्रेशन. हेलो अमिगो, क्या ताल कोम दोंदे इस्ता अदुआना माइग्रेशन पुएस इते पर ऐसा कैमिनो सी इते सी ई लेगा हस्ता अल उल्टिमो सेका आई una placa indígena dice bienvenido a ida y chaya. Ok. No, es del lado hay inmigraciones y de este lado un surtidor. Ah, ok, muchas gracias. Nada, gracias. Es que ese road que end pe kahin ja kar hai kyunki ye road aage ja khatam hota hai, aage sirf hai river, lekin ye andaaz nahi aa raha samajh mein ki yahan pe दरिया के बिल्कुल सामने सिर्फ एक यही आबादी है, उससे पहले कहीं भी कोई आबादी नज़र नहीं आई. तो ये आबादी यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग तो ये नहीं है कि यहाँ पे जो है इतनी बड़ी एक आबादी हो. हो सकता है कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ काम शाम करते होंगे, शायद ये ब्राज़ील से लेके आते होंगे, यहाँ पर यहाँ से ब्राज़ील ले कर जाते होंगे. यहाँ पे कहीं ये अदवाना आ गया, इस कंटेनर में अदवाना है. ओके ओके अच्छा दोंदे इस्ता मिग्रेशनेस अली अमिगो ओके इस्ता सेरादो एसा सी सी इस्ता सेरादो इस्ता सेरादो अहोरा ओसेलाओ लाउना ग्रासियस. इमिग्रेशन जो है वो तो अभी गए हैं खाना खाने के लिए, आधे घंटे बाद आएंगे 1 बजे, और हमें पास यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह भी जो है बैठ के इंतज़ार करने की नहीं है सिवाय धूप में. इस कंटेनर में है इमिग्रेशन और अदवाना जो है कस्टम्स, वो पता नहीं कहाँ पर, वो यहाँ से चला गया कहीं बाहर. लेकिन चल के ज़रा इससे पता करें पहले कि ये वाली गाड़ी लेके जाएगी शायद. अमीगो ओला, ¿A qué hora te puertes? ¿A qué hora? ¿Una, dos? ¿Moto o vehículo? ¿Moto? ¿Vos que sai? ¿A qué hora, qué hora? ¿Agora? ¿Agora no hay? No, son migraciones, me migraciones. Ah. Después de una hora. ¿Migración? Sí. ¿Para hacer? ¿Se va a hacer migración? Sí, sí. ¿Se no fue ainda? Migración ahora cerrado, aquí. Ajá. Ahora cerrado. Alla a una sì. La una apre. Sì. E a bolsa è agora. A ora sì? Uh-huh. Ok. Perché sai, se non quer deixar a foto do seu documento per me dar para você? Fazer para você? Hablas inglês, alemão? No. No. Só português. Na português no. Ok. Aí uma hora abre. Uma hora, ok, sim. Sí. Ye abhi ja raha aur lekin humne wahan se jo hai stamp lagwani hai migration ki. तो जब तक वो नहीं आता वी हैव टू वेट हियर, फिर अगले फेरी पकड़ेंगे और क्या. नहीं जी, फाइनली लगता है कि वो आ गई है या आ गया है बंदा इस कंटेनर में. लेट्स सी के अभी जो है ना कस्टम्स में अब नहीं जा रहा, गर्मी बहुत है, उसका कस्टम है भी शहर से बाहर. मैं सिर्फ यहाँ पे स्टैंप लगवाता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएँगे.
Hola, señora. Okay. Gracias. उस टाइम पर लग गई है जिसके लिए हमें तकरीबन कोई डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा है, लेकिन उसका फ़ायदा या उसका जो है ना हमें gracias, उसका फ़ायदा या उसका जो है बेनिफिट ये हुआ हमें कि ये वाली जो है बोट, इसने कहा कि मैं तुम्हारा वेट करता हूँ और ये फिर हमें लेकर जा रहा है अब उस तरफ ब्राज़ील की तरफ और आधी प्राइस में। दिस इज़ हाउ वी क्रॉस द रिमोट बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पैराग्वे एंड ब्राज़ील। आपको मैं ज़रा इस बोट की सैर करवा देता हूँ। सिंपल सी एक बोट है, यहाँ पे खड़ी है गोंजालेस, और इसके अगर हम अंदर जाते हैं ये इनका किचन है और इस तरफ से ये फिर दोबारा रिवर पैराग्वे और वो पीछे वहाँ पे या ना एक दो तीन वो आई थिंक मुझे वॉल्केनिक माउंटेन लग रहे हैं, कोई वॉल्केनो स्मॉल वाले। और यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे जो है इस टाइम इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि वो जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्रिज बनाएंगे, तो जब वो ब्रिज हो जाएगा तो फिर शायद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये ब्राज़ील की साइड है, ये पैराग्वे की साइड है, इसको अपस्टेयर में भी एंड सी लुक एट दिस। और वो सामने ब्राज़ील आ गया। Hola, señor. Hola. ¿Sí? El capitán. Señor. Lien, jenab, welcome to Brazil. Officially अभी नहीं, officially पता नहीं कब होगा जा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ढूंढनी है कस्टम्स और इमिग्रेशन, वो तो पता नहीं कहाँ पर है। यहाँ पर है क्या जगह आगे जाके? नहीं, तो इस बोट के आम तौर पे जो है अगर आपने प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो कम ही आती जाती रहती हैं, तो अगर आप उसको प्राइवेट लेके आना है तो उसके ऊपर लगते हैं तकरीबन 2.5 लाख गुवारानीज, दैट मीन्स के तकरीबन कोई हो गए वो 30-35 यूरो के लगभग। लेकिन अभी मेरे ख्याल में उसके लिए कोई कॉल आई है शायद उसको, जो ये गाड़ी अभी जा रही थी उसके अंदर उसके लिए, तो फिर क्योंकि बजाय खाली आने के उसने कहा कि तुम मुझे 1 लाख दे देना, यानी तकरीबन कोई 12-13 यूरो पड़ गया हमें, विच इज़ नॉट बैड। अब यहाँ पर एक है तो सही ऑफिस इनका इमिग्रेशन कस्टम्स का, तो अब हम वो जाके ज़रा ढूंढते हैं, अगर वो यहाँ पे हमारे स्टैंप लग जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना फिर हमें जो है ख्वारी करनी पड़ेगी एक दो जगह पे और। उधर कहीं जाकर है आई गेस, तो उस तरफ वो जो है वो है पैराग्वे, ये ब्राज़ील। लेकिन अब हमें यहाँ से रास्ता ढूँढने में ज़रा कोई मुश्किल हो रही है। यहाँ पर एक ऑफिस है इनका, अगर वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर हमें जो है थोड़ा सा पंगा होने वाला है, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट ऑफिस जो इनका है वो तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। Hola amigo, aduana migración. ¿Dónde está aduana inmigración? Aduana inmigración va acá, estaba no sé, na Receita Federal, se quer dizer. Aquí no aduana. Okay, gracias. Hola, hombre. Aduana inmigración. ¿Está aquí? No entendí. Aduana. Inmigración, pasaporte. Lá na cidade, ele quer saber onde está a Receita Federal. Tienen que entrar pela ciudad. Acá la galera está dentro de la ciudad. Sí. En el centro de la ciudad. ¿El centro de la ciudad? Sí. Ahí verán el dique. Ya hay una Receita Federal. ¿Centro de ciudad? Sí. Ok. Ahí vení para acá. Sí. Y agarrar la lateral del dique. Allí hay una Receita Federal. ¿Una Receita Federal? Sí. Ok, gracias. अच्छा, गूगल के ऊपर जो है ये वाली जगह दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ है। कहते हैं कि इस टाउन के जो सेंटर है वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह है, तो वहाँ पे चल के ज़रा पता करो। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारी स्टैंप जो है वो नहीं लगेगी, और हमें जो है आगे ही जाना पड़ेगा बगैर स्टैंप के। कल परसों जहाँ पर जब हमें कोई प्रॉपर कस्टम वाला कोई मिलेगा तो फिर वहाँ से स्टैंप लगवा लेंगे हम।
यहाँ पे हमारा आना तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे पुलिस हमें यहाँ पे नहीं मिली। एक पुलिस का ऑफिस था, वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ पे जाके मैंने बैल दिया, कोई बाहर नहीं आया। और यहाँ पे जो है फिलहाल हमें कोई स्टैंप पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगी, और हमारा जो है कस्टम क्लियरेंस पे वो यहाँ से नहीं हुई। उसके लिए फिर हमें जो है अब यहाँ पे गर्मी बहुत, ऊपर यहाँ पे इंटरनेट नहीं है मेरे पास, तो ना मैं उनसे जहाँ लोगों से बात कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक उसका डाउनलोड तो किया मैंने पुर्तगीज़ का, लेकिन उसके साथ भी कोई इतना ख़ास जो है काम नहीं चल रहा। तो अब फिर यही है कि हम जाते हैं बोनीतो, वहाँ तो पुलिस तो वहाँ पे होगी, तो उनके पास अगर वहाँ पे जो है हमारा पासपोर्ट पे स्टैंप वहाँ से हो जाती है, या उनसे कुछ पता लगेगा हमें आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे ठहर के टाइम ज़ाया करना है ऐसे ही। इसलिए मैं फिर अब आगे जा रहा हूँ टूवर्स बोनीतो। तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है, 225 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे। उम्मीद है कि हम तकरीबन शाम 6 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, और फिर उसके बाद जो है कल देखें कि हमने क्या करना है इसके पासपोर्ट का। यहाँ पे जो है ना पहाड़ शुरू हो गए, फाइनली पहाड़ियाँ रोड है थोड़ी सीनिक होती जा रही है। हमारे आस पास जो है छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, फिलहाल ग्रीनरी तो खैर बेशुमार है, बहुत ग्रीनरी है। हमारा रोड जो है थोड़ी ट्विस्टी हो गई है, जो पहले जो थी ना हमारे बिल्कुल सीधी रोड आ रही थी सारी, अब बोरिंग सी अब गो नहीं रही, एटलीस्ट लेकिन थोड़ी सी जो है ना रोड में ट्विस्ट आ रही है। सिम कार्ड मुझे वहाँ पर नहीं मिली, वहाँ पर तकरीबन हमारे जो है ना 1-1.5 घंटे ऐसे लग गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और उस गर्मी में जो है ना हमने वहाँ पर ना कुछ खा सके ना कुछ बोल सके। उनकी ज़बान भी पता नहीं यार कैसी है, ये एक तो ये मुँह में बोलते हैं और दूसरा ये नाक से बोलते हैं, कुछ समझ कोई नहीं आती। और ये आर को या रे को ये पता नहीं ज़बान का फिर ज़बान को अंदर से इसको जो है ना मोड़ के बोलते हैं ये, तो वो पता नहीं वो रे जो है वो रे बन जाता है रे। बहुत ही मुश्किल से जाना मुझे किसी बात के समझ। खैर वैसे मुझे पुर्तगीज़ वैसे भी नहीं आती बिल्कुल भी, लगता है कि यहाँ पे जो है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल टाइम गुजरेगा जो भी यहाँ पे हम दिन गुजारेंगे ज़बान की वजह से स्पेशली। मेरा ट्रैक्टर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इसके 4 पहिया लगे हुए पीछे, यह तो मेसी फर्गुसन आई थिंक, ये बेलारूस का जो है ट्रैक्टर वो वाले हैं, लेकिन 4 पहिए क्या वजह है? माइग्रेशनस या अदुआना नो अकी दोंदे ऐसा अदुआना बोनीतो से Bonito, sim. Isso. Você vai voltar aqui, pegar a estrada aqui. Na rotatória, segue reto. Tem mais uma rotatória, pode seguir reto. É uns 15 km. As 15 km? 15 km daqui lá. Ok. So, aquele está a aduana. Aquele. Isso. Ok. Isso. Aí, bonito. Aí, você vai pegar para Kidawana? Não. Só bonito mesmo? Sim, bonito. Só bonito. Então, dá uns 15 km. Ok. Aqui, aeroporto. No aduana, no. No migraciones? No. No, okay. Gracias. मैं ये बोनीतो का एयरपोर्ट देख के मैं यहाँ पे आ गया था, मैंने कहा चलो और नहीं तो एयरपोर्ट पे तो कम से कम होगा ही इमिग्रेशन और कस्टम्स। कहती है कि नहीं एयरपोर्ट पे यहाँ पे तो नहीं है, बोनीतो बस हमारे तक 15 किलोमीटर बाकी रहता है, यहाँ ज़रा फिर पता करेंगे बोनीतो में, नहीं तो फिर हम कहीं और चलेंगे रास्ते में, जहाँ पर भी अदवाना आएगा फिर वहाँ पे हम कर लेंगे उसके साथ। लैंडस्केप टोटली जो है वो चेंज हो गया है वहाँ से पैरागोए से, वहाँ पे तो बहुत ही फ्लैट था, यहाँ पे जो है फ्लैट के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा हिल्स भी थे और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, मज़ा आया राइड करने का। रोड तो बिल्कुल ही सीधी थी, लेकिन उस सीधी रोड में कभी कभार हिल आती थी ऊपर नीचे कर्व वगैरह, तो वहाँ फिर थोड़ा सा मज़ा आया। बस बोनीतो भी हम पहुँच के 15 किलोमीटर बाकी हैं, होपफुली के रास्ते में कि हमें अदवाना मिलेगा, नहीं तो फिर कल देखेंगे, क्योंकि अभी अब तो जो है गर्मी की वजह से मैं जाना बहुत ही पसीना बहुत आता है,
तो उसकी वजह से जो है ना बहुत थकावट हो जाती है। गैसोलीन सी? ओके, नो डीजल। यहाँ पर रेट है 599 का, 5.99। ये हैं ब्राज़ीलियन रियाल्स और ये तकरीबन कोई एक यूरो से थोड़ा सा ज़्यादा है। पैराग्वे में पेट्रोल थोड़ा सा वहाँ सस्ता था, ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही प्राइस है। ये है डी सिटी सेंटर ऑफ बोनीतो। बोनीतो काफ़ी फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, जो कि इंशाल्लाह फिर हम जो है ना कल जाके उसको चेक करेंगे। यहाँ पे एक दो जगह हैं जहाँ पे जो है ना आप क्रिस्टल क्लियर वाटर, और वहाँ पे आप फिश के साथ स्विमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आप उनसे गपशप कर सकते हैं फिश के साथ। अंडरग्राउंड पे एक मेरे ख्याल में यहाँ पे लेक है, तो हम उसको ज़रा कल एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फॉर नाउ दिस लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे आके हमने सिम कार्ड भी ले लिया। यहाँ पे हमें सिम कार्ड मिली है कोई 8 यूरो की, 12 GB का डेटा, 42 रियाल्स की, क्योंकि 8 यूरो बनते हैं वो, 8 से कुछ कम। और अभी अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, देखें हमें यहाँ पे होटल कितने का मिलता है। नहीं, होटल का बंदोबस्त हो गया हमारा। ये कमरा है, इस कमरे में एक बेड ये वाला है, एक बेड इधर पड़ा हुआ है, इस तरफ हमारा ये छोटा सा एक बाथरूम है, टीवी है यहाँ पे, विच आई डोंट थिंक आई विल बी टीवी। बाहर इस टाइम जो है वो हो रही है शाम, तकरीबन हो गया मुझे आधा घंटा यहाँ पे आए हुए। शावर करके अब हम चल रहे हैं बाहर, और चल के ज़रा कुछ थोड़ी सी वॉक करते हैं और कुछ थोड़ा सा खाते पीते हैं। और यहाँ पे एक ये पूल भी है, दिस इज़ नाइस। हमारी गुंजालिस इसके पीछे खड़ी हुई है दीवार के। और फिर यहाँ पे हमने देखना है कि हमने जो है हमने सुबह यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे करने वाली चीज़ जो है वो है यहाँ का स्विमिंग वाला। ¿Dónde está Rodrigo? Rodrigo, sí. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Hey, my friend. What's up? Where are you going? No, I just arrived. Okay, good. What is the plan for tomorrow? What can I do tomorrow here? Depends. You have so many options. You have like 55 options. 55 options, right? Okay. And but it's like that. The really important is be like snorkeling. Yeah. And Blue Cave. Blue Cave. All right. If you are with your transportation, that's be better. You can do by your transportation because you don't need to pay for that. Because here you have to buy the voucher for the tour plus transport. Okay, I see. All right. I see. But you can go by your transport. You can do 2 tours in 1 day. It's possible you can do Blue Lake in the morning and the snorkeling after the Blue Lake in that's the afternoon. Good. I think. Two tours in 1 day. I can do snorkeling with the fish, like so. Exactly. I can talk to with fish. With equipment. Yeah, yeah, yeah. With all those things. Okay, so it's very clear water down there. Exactly. Okay, then I will just do this tomorrow. Let's go to city center and have a little walk. First to the left and to the right, you'll be in the main road at the plaza. Okay. Okay. See you later then. See you later, thank alligator. You. See you, I could die. तो ये है जी हमारा, चलो लकीली किसी एक बंदे को तो इंग्लिश आती है, तो हमारा यह गुजारा हो गया। तो या ये भी इनका जो यहाँ पे बाद में रेस्टोरेंट टाइप है इनका, कोई कुछ शले वगैरह हैं, कोई कमरे वगैरह हैं यहाँ पे नीचे भी। सुबह हम इंशाल्लाह करेंगे जाके, ऐसा क्लियर उसका जो है ना पानी है, ब्लू लेक एक तो है, उसके साथ साथ एक और जो है यहाँ पे पानी है कोई दरिया में या पता नहीं क्या है, लेक है वो, और उसका पानी ऐसा क्लियर है कि आप ऊपर से उसका जो है ना तह नज़र आती है, और साथ वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, और आप उनके साथ वहाँ पर जो है ना तैरते हैं। मैंने फोटोज़ देखे हैं, एंड टुमारो वी विल इन्जॉय दिस, टुमारो वी विल हैव अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। एंड दिस इज़ अ स्मॉल टाउन ऑफ बोनीतो। ये जी यहाँ पर इसकी जो है मेन एक ही स्ट्रीट है, बहुत ही लंबी स्ट्रीट तकरीबन है कोई 3 किलोमीटर्स की, और इसी इस मेन बाज़ार में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग है, कफेज हैं, बार्स हैं। लेकिन अभी हम चल के कुछ ढूंढते हैं खाना खाने के लिए, हमने लंच भी नहीं किया था, और अब जो टाइम हो गया डिनर का। थैंक यू, मैं इसको तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जनाब। हमारा डिनर के लिए फ़िश है, यहाँ की लोकल फ़िश, लेट्स सी, इसके ऊपर चीज़ है, और ये फ़िश अजीब तरीके से बनी हुई है, यहाँ के लोकल फ़िश है। अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ के लोकल फ़िश जो है ना खाएं, तो फिर मज़ा कैसे आना है। लेट्स सी व्हाट दिस इज़, ये पता नहीं क्या है साथ में यार, लेट मी सी, सॉल्टी क्रम्स हैं आई थिंक, मैदा वगैरह जो है जो कि पता नहीं उसके ब्रेड क्रम्स हैं, उनको फ्राई किया हुआ है, सॉल्टी हैं ये, और ये है फ़िश, लेट्स सी हाउ द फ़िश। फिश बहुत मज़े की है यार, और साथ में ये क्या था, ये भी कोई सॉस वगैरह है, नो आइडिया इसमें क्या कुछ है, लेकिन एवरीथिंग इज़ टेस्टी।
फिश है, कुछ सॉस है, ये पता नहीं क्या है, राइस है, साथ में मैंने एक स्मूथी मंगाई है और पानी है। तो मैं ये खाना खाता हूँ, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हम ब्राज़ील पहुँच चुके हैं लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर इलीगल हैं, पता नहीं कब जाकर हम यहाँ पर लीगल होंगे, कल या पता नहीं परसों, वी विल सी। मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह कल सुबह। आप मुझे बताएं डाउन कमेंट्स में आपको आज की दिन में क्या पसंद आया। बॉर्डर क्रॉसिंग वेरी इजी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय कि मुझे वहाँ पे जो 2 घंटे वेट करने पड़े थे, और उसके बाद जो है रास्ते के नज़ारे। सुबह का नाश्ता खैर हमारा वैसे ही था जो आमतौर पर होता था, लेकिन अभी ये जो है खाना डिनर हमारा ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद आया, और फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ कल सुबह यहाँ बोनीतो से। अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।